मैंने भी खाई है, ये टेस्टी लगती है। रसगुल्ला रखे और मट्टी रखे तो हम रसगुल्ले को नहीं छूने। क्या मिट्टी खाई जा सकती है? आपने कभी मिट्टी खाई है या अपने आसपास किसी को मिट्टी खाते देखा है? कुछ लोगों को ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मिट्टी खाना एक कॉमन प्रैक्टिस है तो सौंधी खुशबू आते ही या कूलर के खस पर पानी पड़ते ही जो खुशबू आती है उस वजह से कई लोगों को मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है, उनका मन करता है। पर मिट्टी खाने की क्रेविंग होना और मिट्टी खाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। लोगों में मिट्टी खाने की क्रेविंग होना बहुत कॉमन है दुनिया भर में, और खास करके भारत में बड़ी संख्या में लोगों का मिट्टी खाने का मन करता है। वे अलग अलग तरह से और कई फॉर्म में मिट्टी खाते भी हैं। आम धारणा यह है कि ये टेंडेंसी केवल छोटे बच्चों या प्रेग्नेंट महिलाओं में ही पाई जाती है। बच्चे छुटपन में और महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ही चौक, स्लेटी, राख, मिट्टी या कुल्लड़ खाती हैं, लेकिन ये आम धारणा उतनी ही आम भी नहीं है। लड़कियों और महिलाओं का रेगुलरली इन चीज़ों को खाने का मन करता है और वे रेगुलरली इसे खाती भी है। एक सच बताऊं, ऐसी क्रेविंग मुझे भी होती थी। यूपी चुनाव की कवरेज के दौरान रिपोर्टिंग के लिए दूर दराज के इलाकों तक जाना हुआ। खूब सारी महिलाओं से बात हुई। सारे सवाल जवाब होने के बाद मैं उनसे मिट्टी के बारे में ज़रूर सवाल करती। कुछ ने ऑन कैमरा तो कुछ ने ऑफ कैमरा इस बारे में बड़ा खुलकर बताया। वो मुझे मिट्टी के बारे में ऐसे बताती मानो कोई खाने की डिश हो। अच्छा, अच्छा मुझे बस एक और चीज़ बताइए, ये गांव की बहुत सारी मिलाएं, सच सच बताना, गाँव की बहुत सारी मिलाएं, ये जो मिट्टी होती है चूल्हे की, ये मिट्टी खाती है, क्यों, क्या कारण? हाँ मैंने भी खाई है, ये टेस्टी लगती है। नहीं सही कह रही है, अच्छी लगती है। मैंने भी खाई है सच में, ये मतलब जैसे आम करती है तो वो थोड़ी करकरारी हो जाती है, लाल तो मैं खाती हूँ। और मतलब रसगुल्ला रखे और मट्टी रखे तो हम रसगुल्ले को नहीं छूने। गांव की महिलाएं ये बात अक्सर बताती है, ये जो गांव में रहोगे उसको पता होगा कि मिट्टी खाने का बहुत क्रेज होता है, जी करता है ना, जी करता है, टेस्टी लगती है, काफी टेस्टी लगती है। अगर रसगुल्ला और उसमें वो कहे चुनो तो हम मिट्टी चुने। वहां जाकर मुझे पता चला कि बहुत सारी महिलाएं इसे रेगुलरली खाती है। इसमें भी सबकी पसंद और चॉइस अलग अलग है। किसी को कच्ची मिट्टी पसंद होती है तो किसी को भुनी मिट्टी खाना है, किसी को चूल्हे से कुरेद कर जो मिट्टी निकलती है वो पसंद है, तो कोई भट्टी में पकी हुई मिट्टी खाने का शौकीन है। इतनी सारी वैरायटी के बारे में सुनकर मैंने भी उनके सामने अपनी सच्चाई बता दी। मैंने कहा कि मन तो मेरा भी बहुत करता है पर मेरे आसपास इतने ऑप्शंस नहीं है, सो कभी कभार कुल्लड़ ही खा लेती हूँ। इतना सुनते ही एक दीदी ने मुझे बड़ा करारा से कुल्लड़ लाकर दिया। साथ में बैठे कैमरा पर्सन जो अभी कैमरे के पीछे से म्याऊं रिकॉर्ड कर रहे हैं पंकज, उन्होंने चोरी से उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया और मजाक में सोशलिस्ट वाले आशीष जी ने उसे ललन टॉप पर पोस्ट कर दिया और वीडियो वायरल हो गया। खूब रिएक्शन आए और बहुतों ने अपने दोस्तों को टैग करके कहा कि ये तुम हो ना, तुम भी इसी तरह मिट्टी खाती हो। एक यूजर ने लिखा, ये तो सिर्फ कुल्लड़ है, कुछ लड़कियाँ ईंट ब्रिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिससे घर बनता है, उसे भी खा लेती हैं। एक ने लिखा, स्लेट पेंसिल भी यमी होती है। एक ने कहा, महिलाओं को चूल्हे की जली हुई मिट्टी बहुत भाती है। एक ने कमेंट किया, मिट्टी खा रही है लड़की, बचपन याद आ गया लगता है, पैसे वसूल। एक ने लिखा, ये लड़कियों के लिए चॉकलेट है। एक यूजर ने कहा, बहुत टेस्टी होता है, आई नो। एक यूजर ने कॉमेंट किया, ये भी एक तरह की क्रेविंग है, मेरी तरफ एक आंटी है जो ईंट के पीसेस खाती है, ईंट ब्रिक। इसके अलावा मुझे फेसबुक पर एक और महिला की पोस्ट दिखी। एक महिला पूछ रही थी, सबसे टेस्टी मिट्टी की चीज़ों के बारे में बताएं। कमेंट सेक्शन में लोग अपनी अपनी पसंद बताने लगे, किसी को घर का खप्पर तो किसी को काली मिट्टी, खड़िया या चौक पसंद है। मिट्टी खाने के प्रति लोगों की ऐसी दीवानगी देख मैंने इस बारे में पढ़ना जानना शुरू किया। इस प्रोसेस में मैंने पाया कि अब ये सिर्फ चोरी छिपे खाने वाला मामला नहीं रह गया, इसका बहुत बड़ा ऑनलाइन मार्केट है और एडिबल क्ले यानी कि खाने वाली मिट्टी के नाम से बहुत सारी वैरायटी की मिट्टियाँ ऑनलाइन अवेलेबल है, हर टाइप, टेक्सचर और एरिया के नाम से। ऐसा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिट्टी खाते हैं। साइंस की भाषा में इसे जियोफैगी कहते हैं,
बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मिट्टी की गोलियां यानी कि टैबलेट्स के फॉर्म में लोग मिट्टी खाते हैं। मिट्टी चौक या बिना न्यूट्रिशन वाली चीजों को खाने के क्रेविंग को पीका कहते हैं। इस क्रेविंग के पीछे की वजह क्या है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये समझने के लिए मैंने डॉक्टर संजीव से बात की। डॉक्टर संजीव एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर हैं। मैंने सबसे पहले यही पूछा कि इस क्रेविंग की वजह क्या है। ये जो पाइका टर्म है ना, ये बेसिकली इसको कहते हैं परवर्टेड एपेटाइट, माने खाने की इच्छा होती है लेकिन आप ऐसी चीजें खाने लगते हो जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, वो मिट्टी हो सकती है, वो ब्रिक्स सॉयल, कुछ लोग आइस खाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आइस क्यूब्स चबाते रहते हैं, कुछ लोग पेंट चाटने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें, कोई भी चीज जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है अगर वो पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो उसको पाइका बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ये पाइका ईटिंग की हैबिट होती है उन लोगों का हीमोग्लोबिन बेसलाइन से कम होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बूढ़े भी हो सकते हैं, वो विमेन भी हो सकते हैं, वो मेन भी हो सकते हैं। एक चीज उनमें सब में देखी गई है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल बेसलाइन से कम होता है। अब एक बहुत पहले एक स्टडी हुई थी 1969-70s में, तो उसमें उस स्टडी में ना क्या किया गया कि जो लोग ऐसे खाते थे पाइका वगैरह इस तरीके की चीजें, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी दी गई, बाहर से आयरन दिया गया और उस आयरन को देने के 2 वीक के बाद देखा गया कि उनमें ये जो पाइका ईटिंग की क्रेविंग थी ये खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। तो वहां से एक ये कॉजल लिंक एस्टेब्लिश किया गया कि पाइका ईटिंग का जो एक क्रेविंग होता है ह्यूमन के अंदर वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मिट्टी खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो हमने जो डिस्कस किया कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रेविंग होती है पाइका के लिए, इसके अलावा भी कुछ रीजंस और हैं, जैसे वो ऐसे बच्चे जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में जिनकी अपब्रिंगिंग हो रही है पर्टिकुलरली, वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन चीजों के लिए। दूसरा, ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे पेशेंट्स जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अब मेंटल डिस्टर्बेंस में वो किसी भी तरह का हो सकता है, हो सकता है एंजाइटी हो सकता है डिप्रेशन हो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस की वजह से लोग पाइका ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे सिजोफ्रेनिया है, तो सिजोफ्रेनिया में भी देखा जाता है कि पाइका ईटिंग है। OCD जो एक बहुत कॉमनली यूज टर्म है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी पाइका ईटिंग की प्रेवलेंस देखी गई है। तो ये जो सारी चीजें अगर इन वजहों से है तो हमें तो पहले इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा, है ना। किसी को अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है तो हमें वो देनी पड़ेगी, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका कौन सा कॉम्पोनेंट जो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है वो डिप्राइव्ड स्टेट में है और उसे हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है, अगर मान लीजिए ये क्योर ना किया जाए और ये परसिस्ट कर जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो भी चीजें हम पाइका में खाते हैं वो उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, एब्सोल्युटली नॉन न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है। तो जब आप खाते हैं नॉन न्यूट्रिशियस मटेरियल तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यानी कि आपका जो पूरा फूड पाइप है उस फूड पाइप में एक्यूमुलेट होता रहेगा, कितना निकल जाएगा, मोस्ट ऑफ द थिंग वो एक्यूमुलेट होती रहती है। तो उससे क्या होगा कि अल्सर्स बन सकते हैं पेट में या इंटेस्टाइन में। अगर इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया कि फूड के जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो इंटेस्टाइन चोक कर सकती हैं और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद एक और सीरियस कंडीशन आती है जिसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं, जिसमें आंतें फट जाती हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप क्ले खाते हैं या आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जो बिल्कुल अनहाइजेनिक है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन द सॉइल। अब मिट्टी में पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बहुत सारे एग्स हो सकते हैं अलग अलग वर्म्स के, अगर आप वो खाते हैं तो एक खतरा ये भी रहता है कि ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपकी बॉडी में जाएंगे और ये
अपार्ट फ्रॉम पाइका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन अल्सरेशन ये एक अलग तरह की इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज कर देंगे, है ना। तो एक ये इसका फैक्टर है और इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेजोन पे या जो भी ये ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस बेचे जा रहे हैं उनमें एक चीज लिखी रहती है कि रोस्टेड कंप्लीटली स्टरलाइज्ड एडिबल ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं ये लोग ताकि ये जो फैक्टर है इन्फेक्शन वाला इसको रिमूव किया जा सके। इसका सोल्यूशन क्या है? आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर पाइका किसी में भी किसी भी पेशेंट में पाइका की हिस्ट्री है तो उसको हमें आयरन की थेरेपी देनी चाहिए। वो हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, ओरल फॉर्म में आयरन दे सकते हैं, अगर पेशेंट ओरल फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाता है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं। उसके आयरन स्टोर्स को, उसकी बॉडी में जो आयरन के स्टोर्स हैं उसको वापस से फुलफिल करना बहुत जरूरी है। अगर आयरन स्टोर कम होंगे या आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ये सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे। कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है, आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट किसी तरह की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट खुद से ही रिकवर हो जाता है। उसके पीछे भी एक रीजन ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी फूड के प्रति कॉन्शियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है तो आप ठीक ठाक खाना खाते हैं, चूज करके खाते हैं, तो इससे आपका फूड में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाता है। जब आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ते हैं तो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, तो इस तरीके की क्रेविंग आपकी खत्म हो जाती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी के अलावा कोई और कॉज है तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। वो मेंटल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो जिनमें चाइल्ड अब्यूज की हिस्ट्री है या बच्चों को नेग्लेक्ट फील होता है ना, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं कोई भी चीजें, तो उस तरीके के बच्चों में एक प्रॉपर केयर की जरूरत है, उनको प्रॉपर होम बेस्ड केयर या प्रॉपर पेरेंटिंग की जरूरत है बेसिकली। जैसा डॉक्टर ने बताया, कुछ लोगों में ये क्रेविंग अपने आप वक्त के और उम्र के साथ खत्म हो जाती है और कुछ में लगातार बनी रहती है। हमने मिट्टी खाने को बहुत नॉर्मलाइज कर रखा है, हमें ये बस एक बुरी आदत लगती है या कुछ अजूबा लगता है जिसका हम मजाक उड़ाते हैं, पर असल में ये एक प्रॉब्लम है, एक डेफिशिएंसी है। शुरू में थोड़ी थोड़ी क्रेविंग होती है और फिर ये बढ़ जाती है। कई लड़कियां जीवन भर इसे खाती रहती हैं और अपने शरीर को बर्बाद करती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हमें तुरंत नहीं दिखते, इस वजह से भी हम इसे सीरियसली नहीं लेते, पर ये शरीर को बहुत डैमेज करता है। अगर आप अपने आसपास किसी को मिट्टी खाते देखें तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय हीमोग्लोबिन और आयरन का टेस्ट करवाएं, उसके मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करें कि कहीं वो स्ट्रेस या ओसीडी से तो नहीं जूझ रही या जूझ रहा, उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, उसे समझाएं, और अगर फिर भी क्रेविंग बनी हुई है तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। याद रखें, जो मिट्टी एडिबल क्ले के नाम से ऑनलाइन मिल रही है वो भी खाने योग्य नहीं है और उसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई होप डॉक्टर की बात सुन के बहुत सी चीज़ें आपके लिए क्लियर हुई होंगी। क्या राय है आपकी? कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।